बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे CS201 GDP पे। एक GDP आया हुआ है, उसकी कल लास्ट डेट है। एनीवे मैं वैसे लास्ट डे पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि आपने आखिरी दिनों में ही जाके पोस्ट करना होता है। एंड जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे ही मेरे बहुत ही क्लोज सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सब का थैंक यू कि जो लोग मेरे सोल्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर 10K। और चलते हैं जी। सपोज यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये एक जगह पे मुझे आंसर भी मिला। मैंने अपनी खुद से भी रिसर्च की, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या लिखना है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आप उसके अंदर कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ मतलब हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि OS विदाउट फाइल सिस्टम। तो कौन सी मेमोरी है जो कि विदाउट OS, विदाउट फाइल सिस्टम चल रही होती है, और मशीन विल बी हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ मूवमेंट्स। तो अगर आपको पता है कि उसने टोटल कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा चलना है, 600 दफ़ा चलना है, तो फिक्स है। और देर विल बी ए यूज़ ऑफ दीज मशीन, एग्जीक्यूशन मूव शुड बी फास्ट फास्ट एज हार्डवेयर, तो लिमिटेशन अलाउज। कुछ फास्ट के बारे में बात हो रही है, कुछ फिक्स वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है, कुछ OS के बारे में बात हो रही है, कि जिसमें OS जो है वो जिसमें फाइल सिस्टम नहीं है। और आपने बताना है कि वहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगी या डायनामिक। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि जी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज़ बेटर फॉर दिस सिनेरियो। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाई? बिकॉज इट इज़ फास्टर, बिकॉज एवरी थिंग इज फिक्स्ड बिफोर रनिंग। जब ऑलरेडी पता है कि इतनी मूवमेंट्स चलनी है या इतनी दफ़ा लूप चलेगा, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, तो CPU के लिए डायनामिकली चेंज नहीं होना पड़ेगा, उसको मेमोरी रीसाइज और ये वाले इशू नहीं होंगे। तो जब एक चीज़ पहले से ही लाइन अप है कि फिक्स है कि आपने इतने दफ़ा चलना है, तो ये मेमोरी फिक्स हो गई है, तो वहाँ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जब फिक्स सिनेरियो हो तो वहाँ स्टैटिक इज़ बेटर चॉइस। मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। एंड देन सेकेंड वन इज़ व्हेन टू यूज़ OS विदाउट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ऐसा OS जिसमें फाइल सिस्टम ना हो, वहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज़ अ बेटर चॉइस, एंड फास्टर भी है, फिक्स्ड भी है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम चूज करेंगे स्टैटिक को। मैं आपको इसका एक एक्सपर्ट जो इंजीनियर्स होते हैं उनका आपके सामने एक लाइन शो कर दूं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम स्टैटिक ही चूज करें। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेथड इज सुटेबल फॉर दिस सिनेरियो। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एलोकेटेड टू कंपाइल टाइम एंड मेमोरी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो एक किस्म का एक एक्सपर्ट चेक के ऊपर उसने आंसर किया हुआ है, तो मैं उस एक्सपर्ट बंदे का पॉइंट लेके फिर मैंने खुद से सर्चिंग की। ये देखे मैंने लिखा, व्हाई स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज फास्ट। द साइज द डाटा रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस मस्ट बी नोन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इनिशिएशन। आप कहेंगे अब इसमें से क्या लिखना है, तो यही लाइन लिख के एंड पे लिखते हैं, सो इट लीड्स टू अ फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। तो इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना है अपनी वर्डिंग के अंदर। अगर सेम टू सेम लिखेंगे, मेरी वीडियो के ऊपर 1000-2000 व्यू आ जाता है, तो 1000-2000 बंदा सेम लाइन लिख रहा होगा, तो फंस जाएंगे आप। तो इसको लाजमी चेंज करें, इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। सेकेंड वन, मैंने ये डिफरेंसेस निकाले कि स्टैटिक वर्सेस, तो इसमें स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, तो इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूशन इज़ फास्टर देन डायनामिक, तो ये बात इसमें है। तो यहाँ से इन चीज़ों को भी इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीसाइज। तो रीसाइज नहीं, क्योंकि उसने फिक्स की बात की है, एलोकेशन इट इज़ फिक्स्ड, तो फिक्स्ड की बात, स्पीडी होने की बात, फास्टर की बात, और कैन नॉट री यूज़। तो इन सब को मद्देनज़र रख के मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा एन OS विदाउट फाइल सिस्टम यूज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो इसका मुझे आंसर मिला यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, द टिनी OS चूज टू हैव अ नो फाइल सिस्टम, सपोर्ट ओनली
Static memory allocation. Implement the simple task model and provide minimum device and network abstraction. लेकिन we are choosing the line is कि ऐसे कोई दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि विदाउट फाइल सिस्टम हो और वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो, तो मुझे यहाँ से इस लाइन से ये आइडिया मिल गया कि हाँ दुनिया में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करता है और उसमें फाइल सिस्टम नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि इसके आंसर के बदले में यहाँ पे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो फाइल सिस्टम बाय यूजिंग डिफरेंट स्मॉल टास्क लाइक मूवमेंट ऑफ मशीन एंड सो ऑन, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओएस विदाउट फाइल सिस्टम एंड यूजिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी मूव शुड बी फास्ट एज हार्डवेयर लिमिटेशन। तो एग्जीक्यूशन की मैं बात आपको बताया हूँ, बाकी आप डिफरेंसेस और उनमें से लाइनें लेके उनको रीचेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी ढूंढा पूरे के पूरे सवाल को, तो मुझे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें मिली जिनको मैंने जाके स्टडी किया। ये देखें रोबोटिक्स एंड द फैक्ट्री, तो ये उसके रिलेटेड आ रहा होता है। तो आप भी इस तरह सर्चिंग करेंगे, डिफरेंसेस लेंगे और फास्ट स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन और विदाउट ओएस, तो इन चीज़ों को सबको अपनी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।